अगर कोई महिला चाहे तो वो हर चुनौती को दरकिनार करते हुए, चुनौती उम्र की हो, अपनी गृहस्थी की हो, अपने परिवार की या अपने व्यवसाय की, अपने सपनों को पूरा जरूर कर सकती है। यही भावना को दर्शाते हुए कविता जी ने भी इन सब जिम्मेदारियों के होते हुए भी अपना सपना पूरा किया और अप्रैल 2019 में मिसेज इंडिया टूरिज्म खिताब को अपने हक में करने के बाद फिलीपींस में जाकर मिसेज टूरिज्म अम्बेसडर 2019 का खिताब जीतकर घरेलू महिलाओं का हौसला और भी आसमानी बुलंदियों पर पहुंचाया है। कविता जी ने साबित कर दिया कि एक महिला घर की चार दीवारी के अंदर रहने के लिए नहीं है, वो चाहे तो 40 के पड़ाव को पार करने के बाद भी, चाहे तो अपने सपनों की उड़ान को पंख देते हुए अपने मुकामों को हासिल कर सकती है। कविता जी के पति श्री लाल जी का कहना है कि उनकी पत्नी ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर और इसे जीतते हुए अपने परिवार का, महिला समाज का, सबसे बड़ा देश का नाम आकाश के पटल में पहुंचा दिया है। मैम आए दिन ब्यूटी पेजेंट्स हो रहे हैं, खासकर किड्स फैशन शो भी आजकल होने लगा है, बच्चों फैशन इंडस्ट्री में काफी ज्यादा कूद रहे हैं, किस क्या कहना है फैशन इंडस्ट्री में जो लोग टीनेजर्स आ रहे हैं उनके लिए? मैम जिस तरह से अभी देख रहे हैं कि महिला जो है दिन ब दिन आगे बढ़ रही है, आप अभी भारत का नाम अब विदेशों में रोशन करके आया, कैसा लग रहा है आपको? जी मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मैं अपनी कंट्री को, अपने भारत को, इंडिया को फिलीपींस में जाके मैंने रिप्रेजेंट किया और मैंने अचीव भी किया। नो डाउट जब मैं गई थी मैंने पहले बोला था अगर मैं जा रही थी मैं कुछ अचीव कर रही हूं। आज बहुत सारे लड़कियों का आप आइकन बनने जा रहे हैं, क्या आप जो है देश की लड़कियों के साथ क्या बोलना चाह रहे हैं आप? मैं सबको ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगी कि किसी भी चीज़ की कोई एज नहीं होती है, अंदर से थ्रिल होना चाहिए, आपके अंदर पर्स होनी चाहिए आप कर सकते हैं। मैम आजकल भारतीय नारी किसी भी मर्द से कम नहीं है, देखा जाए आजकल लड़कों को लड़कियों को एक समान माना जाता है, भारत का इतनी ऊंचे स्तर पर नाम रोशन करके आई है, क्या संदेश रहेगा भारतवासियों को? जय हिंद सबके लिए। परिवार ने जो अभी कॉम्पिटिशन जिस तरह से करा, कितनी कंट्रीज वहाँ पे शामिल थी और कैसा वहाँ पे कॉम्पिटिशन देखने को मिला? बहुत सारी कंट्रीज थी, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और बहुत सी कंट्रीज थी, बहुत सारे गर्ल्स थे, पेजेंट्स थे, बट हिम्मत करी, आगे बढ़ने की कोशिश की और नो डाउट मैंने किया। जैसा कि देखा जाता है मैम किसी आदमी के पीछे किसी औरत का हाथ होता है जब कभी कोई कामयाबी पर चलता है, आपके पीछे किसका हाथ रहा होगा? सर कैसा लगा अभी आपको, आपकी वाइफ जो इतना बड़ा आज अचीवमेंट करके आई है, कैसा लग रहा है? ये मैं चाहूँगी हर हस्बैंड का ख्वाब होना चाहिए कि मेरी वाइफ मुझसे आगे निकले और ये किया, ये विश्वास और उम्मीद था, वरना कोई यकीन नहीं करेगा कि 22 साल का बेटा हमारा है और ये छोटा बेटा मेरा 17 साल का है, कोई एज नहीं होती कुछ भी करने के लिए। बहुत कम हस्बैंड सर लोग सपोर्ट।